मुझे गलत सलाह दी। बहन प्रियंका के होते हुए अकेली रह गई परिणीति चोपड़ा। सालों बाद पिया किया दर्द। परिणीति चोपड़ा इस वक्त फिल्म अमर सिंह चमकीला को लेकर चर्चा में है। पिक्चर बीती 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है, जहां दिलजीत दोसांझ चमकीला के किरदार में खूब चमके, तो वही दूसरी तरफ परिणीति चोपड़ा भी अपने परफॉर्मेंस से खूब तारीफें बटोर रही हैं। फिल्म में वो चमकीला की दूसरी पत्नी अमरजोत का रोल प्ले कर रही हैं। इस बीच परिणीति चोपड़ा ने अपने करियर को लेकर बातचीत की। दरअसल एक्ट्रेस ने साल 2012 में फिल्म डेब्यू किया था। फिल्म थी इश्कजादे, इसमें उनके साथ अर्जुन कपूर थे। अपने 12 साल के करियर में एक्ट्रेस ने 8 फ्लॉप फिल्में दी हैं। इसी पर उन्होंने खुलकर बात की है। हाल ही में इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में परिणीति ने अपनी पुरानी फिल्मों पर बातचीत की है। वो कहती हैं कि उन्हें कई लोगों ने गलत सलाह दी थी, वहीं उन्हें सुनने के बाद मैंने कई फिल्में की हैं जो मुझे उस वक्त ठीक लग रही थी या फिर कमाई करने वाली लगी। हालांकि वो मानती है कि उस वक्त उन्हें खुद भी इंडस्ट्री का ज्यादा अंदाजा नहीं था। इसी के चलते करियर में कई गलतियां की है और उनका खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। परिणीति ने लोगों की गलत सलाह मानने पर खुद को ही दोषी ठहराया। वो कहती है कि अगर उस वक्त अपनी बात पर अड़ी रहती तो मन की आवाज सुनती तो शायद करियर में कम गलतियां होती, लेकिन उस वक्त आसपास के कई ऐसे लोग थे जो उन्हें फिल्में चुनने के मामले में ट्रेंड्स फॉलो करने को कहते थे। एक्ट्रेस की फैशन चॉइस पर भी उन लोगों का काफी प्रभाव था। अगर इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानती तो मुझे इन लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं होती। परिणीति चोपड़ा ने कहा कि अब आगे उन्हें क्या करना है, बस अब मुझे ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की जरूरत है जो काम दे। वही उन्हें उम्मीद है कि उनकी गलतियों को ना देखकर बस टैलेंट को देखते हुए दोबारा काम मिलेगा। हालांकि ये सुनने के बाद फैंस के शॉकिंग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। यूजर्स सवाल कर रहे हैं कि बहन प्रियंका चोपड़ा के लंबे वक्त से इंडस्ट्री में होने के बावजूद परिणीति चोपड़ा के पास कोई समझाने वाला नहीं था। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए भैया टॉक को भी सब्सक्राइब करें।